What's going on guys, RG here, मैं गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। कैप्टन मिलर का ट्रेलर आ चुका है एंड लेट्स रिएक्ट टू कैप्टन मिलर। सॉन्ग इज सॉरी मूवी इज टू बी डन बाय धनुष, शिव राजकुमार और संदीप किशन, यही दिख रहा टाइटल में। लेट्स चेक इट आउट फिलहाल के लिए, बिकॉज ये मूवी काफी वेटेड थी यार, बहुत ज्यादा इसकी खबरें सुनने में आई हैं। एंड धनुष मतलब यार कुछ तो खतरनाक लाएगा ब्रो, लेट्स सी। வெள்ளக்காரன் கண்ணுக்கு கொள்ளக்காரன். உன்ன மாதிரி நானும் ஒரு கொலகாரனா இருந்திருந்தா? एक सेकेंड, सब टाइटल्स नहीं है क्या इसके? इसका हिंदी ट्रेलर आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, बट फिलहाल के लिए मैं यही रिएक्ट कर रहा हूँ। और बीजीएम सॉलिड लग रहा है, डायलॉग्स आप मुझे बताना। लेट्स चेक इट आउट। நானே கொன்னுறேன், எனக்கு அவ சாகணும். கெட்டவன கொன்னுருக்க நல்லவன தான இருப்ப. சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ். ஊர்க்காரங்களுக்கு துரோகி, உண்மையிலே நீ யாரு? நீ யாரு? உனக்கு என்ன வேணுங்கிறது போ, நான் யாருங்கிறது மாறும். வாட்? அரை கே லக் ரஹா ஹை பாய். நைஸ் ப்ரோ, ஆக்ஷன். And Dhanush is looking damn good in this, bro. Seriously. Wow. Wow. The village and the temple will now become British property. Mining will soon begin and we will... ये पक्का है, एक अफसर तो इसको बना ही देते हैं। जब तक इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के साथ रिलेटेड फिल्में बनेगी, इसको फिल्म जरूर मिलेगी। We'll find out exactly what lies beneath. Nice BGM. कलर ग्रेड देखो यार, कलर ग्रेड बहुत प्यारा कर रहा है। एंड ये वाला कलर ग्रेड ना मुझे RRR के अंदर स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, जो वो सीन था ना जिसके अंदर क्या कहते हैं अपने रामचरण भाई जाके वो बंदे को उठा के लाते हैं और क्राउड के साथ फाइट करते हैं, वो वाली कलर ग्रेडिंग लग रही है यहाँ पे। नाइस। वो भाई क्या बनाया है? You believe devil? I am the devil. And you will call me. He's looking, मतलब थोड़ा beefed up लग रहा है यार धनुष देखने में। Will and you will call me devil. कैप्टन मिलर। ओके, वाओ वाओ ब्रो, गूज बम्स मैन। பசியோட சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு சிங்கத்துக்கு ஒரு யாரா கிடைக்குது, அதை எப்படியாவது தூக்கிட்டு போயிடலான்னு ஒரு கழுத புலி கூட்டமே அலையுது. அப்போ அந்த இறைய ஓனாய் தூக்கிட்டு போனா என்ன ஆகும்? வாட் யார், இஸ்கா ஹிந்தி வெர்ஷன் ஆ ரஹா கி நீ ஆ ரஹா யார், கேசே ரஹ ஜாயேகா யார்? திஸ் மூவி இஸ் கமிங் ஆன் 12 ஜனவரி யார், தேக்னி ஹை யார், தும் சப் லோக் தேக்கோகே அகர் ஹிந்தி மே நா ஆயா। प्लीज डू टेल मी इसका हिंदी वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन 12 जनवरी को आ रहा है, तुम लोग तो देखो यार। देखूंगा तो मैं भी, जितना मेरे को समझ में आएगा करेंगे। एंड बाकी यार क्या ही, मतलब गुड कैरिकेचर, अच्छा लग रहा है। होलसम प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन, बिग प्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे।
and Dhanush is looking very impressive, very very much impressive and unexpectedly high. मतलब मेरे को था कि वो एक बड़ा lean सा look लेके चलता है, but यहाँ पे कुछ आया bro, कुछ खाया bro, अलग level. अगर मैं बात करूँ written and directed by अरुण माथेश्वरन, बहुत बढ़िया काम कर रहा लग रहा है. एंड CG बहुत CG कह गया CG तो अच्छे है ही है, कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी करी है. उसके बाद एडिटिंग नागूरन, वेल डन ब्रो, मज़ा आया. एंड डायलॉग्स बाय मदन कार्की, डायलॉग्स आप मेरे को बताना बिकॉज डायलॉग्स आई एम अ बिट ऑफ विद द लैंग्वेज, बट सीरियसली ओवरऑल BGM विच इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस प्रोडक्ट. GV प्रकाश का म्यूजिक है. मैं देखना चाहता हूँ बैकग्राउंड स्कोर किसने करा. साउंड डिज़ाइन बाय सिंक सिनेमा. सिंक सिनेमा का तो काम उन्होंने पहले भी देखा हुआ है. साउंड डिज़ाइन बाय सिंक सिनेमा, ओके. एंड ओके वेल डन. तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक BGM के क्रेडिट्स नहीं दिए हुए, बट ब्रिलियंट जॉब गाइस. आई थिंक आई एम सो हैप्पी वॉचिंग दिस. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टू कम बिकॉज बहुत हाइप थी इसकी. एंड आप लोग मेरे को बताओ आपको कैसा लगा ट्रेलर, एंड आई जस्ट लव्ड इट. हाउ डू यू फील वॉचिंग दैट, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय, विल सी अनदर वीडियो गाइस. जय हिंद.